أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ये सूरह फातिर की आयत नंबर 12 आप हजरात के सामने तिलावत की गई है. पिछली आयत में बात चल रही थी कि इंसान इस दुनिया में इज्जत चाहता है, ऐसी ज़िंदगी की तलाश में रहता है जो बावक़ार और मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी हो. तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मन का न युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ. जो इज्जत वाली ज़िंदगी चाहता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि इज्जत के सारे ख़जाने किसके पास है, अल्लाह के पास. तो अल्लाह के पास आना पड़ेगा. मुअज्जज बनने के लिए उस अज़ीज़ ज़ात के दरवाज़े पे आना पड़ेगा. वहाँ से इज्जत तकसीम होती है और इंसान के नसीब और इंसान के हिस्से के अंदर आ जाती है. तो वो अल्लाह पाक तमाम कुदरतों के मालिक है, तमाम कुदरतों के बादशाह हैं. इस कायनात का जितना निज़ाम है, चाहे वो आसमानी है, चाहे वो ज़मीनी है, चाहे वो बहरी है, दरियाओं का है, समंदरों का है, वो सब अल्लाह के हुक्म से चल रहा है. और हर निज़ाम के अंदर ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें हैं कि इंसान की अक्ल हैरान है. आज की जो आयत है इसमें अल्लाह पाक की कुदरत कामिला का इजहार है. और ख़ास तौर पे फिर अल्लाह पाक ने जो समंदरी दुनिया है, आबी दुनिया है, उसको ज़िक्र फरमाया. इस आयत का तर्जुमा है वमा यस्तविल बहरान, और दो समंदर आपस में एक जैसे नहीं हैं, दोनों समंदरों में भी फ़र्क है. हादा अज़बुन फुरातुन, इस एक समंदर का जो पानी है वो मीठा है और खुशगवार है. साएगुन शराबुहु, और जो पीने वाले को लुत्फ़ देता है. ये कौन सा पानी होता है दोस्तों? जो मीठा है. हमारे यहाँ कहते हैं ये मीठे दरिया की चीज़ है. वहाजा मिल्हुन उजाज, और ये जो दूसरा समंदर है ये खारा भी है, कड़वा भी है. देखिए, दो तरह के समंदर दुनिया में है. हालांकि पानी एक मादा है, आसमान से जो बारिश बरसती है, ऐसा नहीं है कि उस बारिश का पानी एक दफ़ा मीठा उतरता है, एक दफ़ा कड़वा उतरता है, ऐसा तो नहीं. एक किस्म का पानी है, पानी का मादा एक है. लेकिन अल्लाह की कुदरत को देखें कि उस एक मादे पानी को फिर दो हिस्सों में बांट दिया. एक समंदर और दरिया वो है जिसका पानी ठंडा भी है, मीठा भी है, पीने में खुशगवार भी है, इंसान को राहत देता है, प्यास बुझा देता है. दूसरा वो पानी है जो खारा भी है और जो कड़वा भी है, मुंह को बदज़ायका कर देता है और अगर पेट से उतार दे तो तकलीफ़ होती है. लेकिन वमिन कुल्लिन तअकुलून लहमन तरिया, दोनों किस्म के पानियों से तुम खाते हो ताज़ा गोश्त. ताज़ा गोश्त, तो भाई समंदर में कौन सा गोश्त पैदा होता है? मछली. मछली पैदा होती. लेकिन देखें यहाँ पर अल्लाह पाक ने जब मछली को ताबीर किया ना, तो मछली को तो अरबी में समक कहते हैं और हूत कहते हैं. कुरान करीम में ये अल्फाज इस्तेमाल भी हुए हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह ने वो ताबीर इस्तेमाल नहीं की. फरमाए तुम खाते हो उसका ताज़ा गोश्त,
وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا और तुम इन समंदरों से निकालते हो ऐसे जेवरात जिसे तुम पहनते हो। तो समंदर में जो जेवरात मिलते हैं वो कौन से? मोतियाँ होती है ना, मोतियाँ मिलती हैं। ये मोतियाँ समंदर की तह से निकलती हैं। وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ और तुम देखते हो इन्हीं समंदरों के अंदर ऐसे जहाज़ों और किश्तियों को जो पानी को चीरते हुए चलते हैं ताकि तुम अल्लाह के फजल यानि रिज़्क को, रोज़गार को तलाश कर सको। وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तो अब देखें सारा तस्किरा अल्लाह पाक ने आबी दुनिया का, समंदरी दुनिया का फरमाया। तो ये अल्लाह की एक अकेली ताकत है कि जिसने एक पानी के मादे को बयक वक्त, अगर इंसान देख ले तो एक दरिया है वो मीठे पानी का होता है, एक होता है वो खारे पानी का होता है। ये तो इंसान के बस की बात नहीं है। आज की इतनी तरक्की याफ्ता दुनिया में भी खारे पानी को मीठा बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी बड़ी मशीनरी लगानी पड़ती है और बहुत कुछ केमिकल मिलाने पड़ते हैं तब जाके वो किसी काबिल होता है। इंसान लाखों रुपए के प्लांट लगाता है कि भई ये पानी, इसके अंदर मिठास पैदा हो जाए और ये पीने के काबिल हो जाए। इसके बावजूद भी माहिरीन कहते हैं कि भई चूँकि एक आर्टिफिशियल मस्नूई तरीके से ये सब सिस्टम प्रोसेस होता है तो इसलिए जो पानी के जो कमालात हैं और जो उसकी जो ताकत है वो उसमें ख़त्म हो चुकी होती है। देखिए इंसान अपने ज़ोर पे आज जो कर रहा है ना कि चले भाई मशीनें लगा दी, प्लांट लगा दिए, पानी में केमिकल्स मिला दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तो ठीक है, लेकिन पानी की जो अपनी ताकत और सलाहियत है वो उससे ख़त्म हो गई, हवा हो गई, गायब हो गई उससे। ये तो एक ताकत अल्लाह के पास है कि जिसने दुनिया के एक हिस्से पानी को मीठा बना दिया, एक को अल्लाह पाक ने खारा और कड़वा बना दिया। आप देखें ना बाज़ जगहों पे आप वज़ू करने बैठेंगे, ये तो शहर में है ना, कदर तो होती नहीं है इंसान को, वज़ू खाने पे बैठ गए तो नल खोल दिया फिर वो चल रहा है बिल्कुल। कभी आप अतराफ के इलाकों में चले जाएँ, कभी वज़ू करें तो ऐसा है जैसे कि इंसान का रोज़ा मकरू हो जाए, इतना नमकीन पानी होता है, कड़वा पानी होता है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पानी की कमी है, वो ज़मीन की गहराई से जाके बोर करके पानी को निकालते हैं, उसमें कड़वाहट भी होती है, उसमें खारापन भी होता है, ये सब चीज़ें। लेकिन अल्लाह की शान के दोनों चीज़ें एक साथ दुनिया में चल रही हैं, एक बात। दूसरी बात फरमाई कि फिर हर किस्म के पानी से तुम ताज़ा गोश्त को हासिल करके खाते हो। देखिए यहाँ जो नुक्ते की बात जो समझने की है वो क्या है कि मछली को गोश्त से ताबीर किया, यानी गोया कि वो तैयार गोश्त है। जैसे अगर आप जाएं कसाई की दुकान से गोश्त लेके आ जाएं, तो भाई गोश्त को लाने के बाद दोबारा तो ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है ना, या घर आके दोबारा हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहु अकबर, नहीं ना। गोश्त और जानवर में फ़र्क ये है कि जानवर को हलाल करने के लिए ज़बीहा ज़रूरी है, जब तक आप उसकी गर्दन पे छुरी ना चला दें तो वो हलाल नहीं है, उस हालत में मर गया तो हराम मुर्दार हो जाएगा। लेकिन अगर जानवर ज़िबा हो गया, उसकी रगे कट गई और फिर उसको साफ़ करके उसका गोश्त बना दिया गया, जो चीज़ लहम बन जाए, गोश्त अरबी में लहम कहते हैं, मकसद ये कि अब ये आपके लिए बिल्कुल पाक साफ़ और हलाल है, अब मज़ीद इस पर कोई छुरी चलाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ सफाई सुथराई अलग चीज़ है उसकी। तो मछली को गोश्त कहा, क्यों? ये इशारा दे दिया कि ये वो वाहिद जानदार मखलूक है कि जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बिल्कुल हलाल कर दी, इसमें कोई ज़िबह की ज़रूरत नहीं है। तो मछली में देखे ज़बीहा नहीं है मछली को, बल्कि जब इंसान शिकार करता है, उस दिन भी बात आई मसाइल के दर्स में, कि जब मछली का शिकार करके जाल में पकड़ के लाते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, ये मछली तड़प तड़प के मर जाती, तो वो बिल्कुल हलाल है,
हाँ घर ला के फिर इसकी सर को अलग करके सफाई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पूरी मछली काबिल इस्तेमाल चीज़ है। ये अल्लाह की एक अजीम और बड़ी नेमत है। फिर दोनों किस्म के पानी की मछली अल्लाह पाक ने अलग अलग रखी, दोनों वहाँ पैदा होती है। मीठे पानी की मछली अलग है, खारे पानी की मछली अलग है, लेकिन दोनों के अंदर पैदा हो रही। तीसरी बात फरमाई कि इससे तुम निकालते हो हिलिया। हिलिया कहते हैं जेवरात को। हमारे यहाँ तो आम तौर पे ये लफ्ज़ जैसे ही आता है तो हमारा जहन जो है वो सोने चांदी के जेवरात की तरफ चला जाता है, और चूँकि मर्दों के लिए तो सोना कतई और कुल्ली तौर पे हराम है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, हराम किया गया। चांदी की एक ख़ास मकदार को हलाल रखा गया मर्द के लिए कि अगर चांदी की अंगूठी बनाए तो 4 या 4.5 माशे चांदी, उलमा ने लिखा है, तो उस मकदार में चांदी की अंगूठी बनाई जा सकती है, बस उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती, मर्द के लिए नहीं, और वो भी इतनी ही मकदार में। लिहाजा अगर कोई 2-2 या 3-3 अंगूठियाँ बनाता है और उसकी मकदार 4.5 माशे से ज़्यादा हो जाए, ये दुरुस्त नहीं है, ये मना है। लेकिन जो मोतियाँ हैं, मोतियाँ जो दरियाओं से आम तौर पे निकलती है या जो पत्थर होते हैं, वो औरतों के साथ साथ मर्दों के लिए भी हलाल होते हैं। इसलिए अब तो बादशाहों का निज़ाम नहीं है, लेकिन जो पहले ज़मानों के बादशाह होते थे वो अपने ताजों में मोतियाँ लगाते थे, जड़ते थे, या आजकल जैसे बाज़ हज़रात जो अंगूठियाँ पहनते हैं तो हमारी अंगूठियों में क्या होते हैं, नगीने होते हैं, वो पत्थर लगे हुए होते हैं। ये पत्थर जो है ये मर्द के लिए लगाना जायज़ है, इसकी कोई ममानअत नहीं है, इसकी गुंजाइश है, लगा सकते हैं, और चाहे फिर इसका कोई भी रंग हो वो भी मना नहीं है, और इसकी कितनी भी मकदार हो वो भी मना नहीं है, चाहे कोई बड़ा नगीना लगा दे, छोटा नगीना लगा दे। और फिर इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, बाज़ लोग इसके बड़े माहिरीन और बाज़ौक़ होते हैं कि भाई ये फलां पत्थर है, ये फलां पत्थर है, ये फलां पत्थर है, अपने अपने ज़ौक़ से लेते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि ये पत्थर अंगूठी में लगा कर उसको पहनना ये जायज़ है, और अगर इंसान सुन्नत नियत से पहन ले तो बिलाशुबा बाई से सवाब भी है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अंगूठी मुबारक पहनी है अपने हाथ मुबारक में, लेकिन उसके बनाने का मकसद मोहर था, बतौर मोहर बनाई गई, मोहर के तौर पे जो आप अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक था वो उसमें नक्श होता था। इसलिए अब उलमा की दो राय बनती है। एक तबका उलमा का कहता है कि मर्द अगर अंगूठी बनाए और चांदी की हो और उसमें ऊपर कोई भी नगीना लगा दे, अकीक है या फलां है, और तो अगर उसमें कोई मोहर है तो सही है, वरना नहीं। लेकिन दूसरा तबका उलमा का कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी आसानी के लिए उसमें मोहर लगाई ताकि वो आपके पास रहे, बाकी अगर मुतलकन अब भी कोई भी मर्द अगर अंगूठी पहनना चाहे, बशर्ते कि वो सोने की ना हो, 4.5 माशे से ज़्यादा ना हो, या उसके अंदर कोई गैर शरई चीज़ बनी हुई ना हो, बाज़ लोग उसमें कोई तस्वीर बना देते हैं या कोई ऐसा कलमा लिख देते हैं जो नाजायज़ कलमा है, शिरकिया कलमा है, वो मना है, याद रखें। वैसे अगर अंगूठी इंसान बना ले और पहन ले तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन ये समझना कि किसी पत्थर की कोई तासीर है कि ये पत्थर पहनूंगा तो इससे ये हो जाता है, वो पत्थर में वो हो जाता है, ये पत्थर, ये उल्टी सीधी बातें हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कायनात का निज़ाम अल्लाह पाक के इख्तियार में है, पत्थरों से नहीं है कि इंसान कहे कि इस पत्थर की वजह से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अकीदे से बचना बहुत ज़रूरी है, वरना खुदा न खास्ता अंगूठी तो अपनी जगह पर हो जाएगी, ईमान जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, तो इससे भी बचना ज़रूरी। चौथी बात फरमाई कि इसी पानी में बड़े बड़े जहाज़ और किश्तियाँ चलती हैं, और आज देखें, आज इतनी तरक्की के बाद भी, सब कुछ के बावजूद भी, बल्कि आज तो उन चीज़ों की ज़रूरत और बढ़ गई। दुनिया की आमद और रफ्त और तिजारती मंडियों का अक्सर सफ़र वो बहरी जहाज़ों से होता है, लिहाजा हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो आज भी बहरी जहाज़ों पर हो रहा है।
और जिस मुल्क के पास पोर्ट है, बंदरगाह है, आज उसकी हैसियत मुसल्लम समझी जाती है कि भाई इनके पास तो पानी की बंदरगाह है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो पानी की तिजारत के लिए बड़े बड़े बहरी जहाज़ आज चलते हैं और इसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें मुंतकिल होती है, पहुँचती है। इसीलिए बाज़ उलमा ने इससे नुक्ता भी निकाला है कि देखें, यहाँ अल्लाह पाक ने समंदरी जहाज़ का तस्किरा किया और फिर फरमाए लितबतगू मिन फज़लिही, ताकि इसके ज़रिए से तुम अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश कर लो। तो बाज़ उलमा ने फरमाया कि समंदरी तिजारत से जो माल इंसान कमाएगा वो फ़ज़ल है, यानि उसके अंदर बरकत होती, और ये है भी जो नज़र भी आता है बहरहाल। तो ऐसी तिजारत और ऐसा काम बाईस अजर भी है। तो अब देखें, आज तक तो हम पानी को सिर्फ एक पीने के एतबार से समझते हैं कि पानी क्या है भाई, पानी पी रहे हैं, लेकिन ये जहन नहीं जाता कि इस पानी में अल्लाह की कितनी नेमतें हैं जिससे हम कितना फ़ायदा उठाते हैं, अपनी ज़रूरियात का, माश का, खाने पीने का, अपने जेवरात का, अंगूठियों का, इलाज का, दवाई दारू का, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई। तो हर चीज़ अल्लाह पाक की नेमत की तरफ इशारा कर रही है दोस्त। तो इंसान जब किसी की दी हुई चीज़ इस्तेमाल करता है तो अगर संजीदा हो तो उसको जज़ाकअल्लाह कहता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं हम इस्तेमाल करते हैं, हक़ है कि हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार बंदों के अंदर शामिल हो जाएं। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल बरोज़ हफ्ता हस्ब तरतीब सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक मस्तूरात की इस्लाही मजलिस होगी बनात के मदरसे में, और असर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह मस्जिद में मुख्तसर बयान और ज़िक्र की मजलिस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद। وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا